तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंज का नियम लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आता भी है तो इस नियम को मैं बिल्कुल हंड्रेड परसेंट ऐसा समझाऊंगा कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं इसको फिगर की सहायता से समझाने वाला हूं क्योंकि स्टूडेंट जो फिगर होता है वह दिमाग में बैठ जाता है तो इस नियम को देख लीजिए इसके बाद मैंने दो फिगर बना रखा है इन फिगर के माध्यम से आपको बिल्कुल ऐसा समझाऊंगा कि सौ आपको समझ में आएगा तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो लेंज का नियम क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है यानी समझ लीजिए कि यह नालायक बेटा है अपने पिता का क्योंकि यह जिससे उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध कर रहा है अब देखिए इसको फिगर की सहायता से समझा रहे हैं आपको ये देखिए क्या है एक कुंडली है अब इसमें धारा को हम प्रवाहित कर रहे हैं ठीक है तो हमने देखिए जो धारा की दिशा है वो इस दिशा में ठीक है इधर से इस दिशा में धारा की दिशा है और ये देखिए धारा की दिशा किस दिशा में इस दिशा में है ये धारा की दिशा है इसको लिख देंगे आप कि ये धारा की दिशा है और इसमें ये जो दिशा है वो प्रेरित धारा की दिशा है इसको आप लिख सकते हो प्रेरित धारा की दिशा देखिए जब इसमें हमने ये जब धारा बहाया जब इसमें विद्युत वाहक बल दिया तो इसमें एक धारा बहा तो जैसे ही धारा बहता है तो इसमें मुख्य धारा के अतिरिक्त एक अन्य धारा भी बहता है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं यानी जब ये धारा इस दिशा में बह रही है इस दिशा में बह रही है और ये धारा किस दिशा में बह रही है इस दिशा में बह रही है यानी कि इस धारा जो बह रही है इसके बढ़ने का ये धारा क्या कर रही है विरोध कर रही है इसके उल्टा दिशा में बहकर यानी इसके बढ़ने का विरोध कर रही है और यहाँ पे देखिए ये कुंडली में जब इस धारा को जैसे ही इस धारा के मान को हम घटाते हैं ठीक है जैसे इसमें जो धारा फूल बह रहा था यहाँ पे देखिए ये जो हस्त्रेट लगा इससे घटाया बढ़ाया जाता है यहाँ पे हमने बढ़ाया है और यहाँ पे जब हमने घटा दिया तो देखिए ये जो धारा की यानी ये जो प्रेरित धारा है प्रेरित धारा की दिशा धारा की दिशा में ही होगी यानी कि यह इसके घटने का क्या यह, कर रही है विरोध कर रही है इसके घटने का विरोध कर रही है अर्थात इसे स्पष्ट हो जाता है स्टूडेंट कि किसी वैद्युत परिपथ में ये एक वैद्युत परिपथ है ठीक है ये एक वैद्युत परिपथ है तो देखिए जैसा कि डेफिनेशन है एक बार डेफिनेशन फिर देख लेते हैं किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ठीक है इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है अथवा प्रेरित धारा की दिशा जिसमें प्रेरित धारा की दिशा बह रही है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होगी जब हमने इसे विद्युत वाहक बल करंट को दिया और ये प्रेरित धारा की दिशा तो इसमें बोल रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है यानी इसके घटने या बढ़ने का विरोध करती है यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है यानी यह जो धारा उत्पन्न हो रही है ये कि इसी कुंडली के कारण ही उत्पन्न रही है ठीक है ये जब जानते हो आप कि फैराडन एक्सपर्ट एक्सपेरिमेंट में बोला था आपने कि जब भी किसी वायर में तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ठीक है तो इसमें देखिए तो ये जब इसी कुंडली में हमने धारा को प्रवाहित किया तो इस मुख्य धारा के अतिरिक्त इसमें एक अन्य धारा भी बहने लगती है उसको ही हम क्या कहते हैं प्रेरित धारा कहते हैं तो ये चीज़ एकदम सेम है आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो लेंज का नियम आपको अगर समझ में आया हो लेंज का नियम तो लाइक वीडियो को कर दीजिएगा अगर भी चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में